हेलो फ्रेंड्स, मैंने काफी टाइम पहले प्लान किया था चितवन नेशनल पार्क विजिट करने का, जो कि मैंने इस बार अपने नेपाल के लास्ट विजिट में पूरा किया। तो मैं आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपना चितवन नेशनल पार्क का विजिट कैसे इजी वे में कर सकते हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी एक्टिविटी आप वहां कर सकते हो, कुछ एक्टिविटी जो आपको जरूर करनी चाहिए जैसे जीप सफारी, बोटिंग और एलिफेंट राइडिंग। ये वीडियो आपको फुल गाइड करेगा अगर आप नेपाल चितवन नेशनल पार्क का विजिट करने का प्लान कर रहे हो। तो चितवन नेशनल पार्क के लिए जिस जगह पर आपको जाना होगा उस जगह का नाम है सौरा। जिस जगह पर मैं स्टे कर रहा था वो वहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर था। कोई डायरेक्ट बस तो जाती नहीं थी, तो हमने हाफ ट्रेवल बस से किया और बाकी का हाफ ट्रेवल ऑटो से। जैसे ही आप सौरा पहुँचोगे वहाँ आपको काफी सारे टूर एंड ट्रेवल एजेंसी मिलेगी जो आपको डिफरेंट पैकेज बनाकर देगी या फिर जो आपको एक्टिविटी करनी है उसके अकॉर्डिंग। हम तीन लोगों ने एक पैकेज बुक किया जो था वहाँ का नेपाली 13,000 रुपीज, जिसमें एक्टिविटीज थी जीप सफारी, बोटिंग, एलिफेंट राइडिंग, कल्चर एक्टिविटी एंड होटल स्टे। अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए आए हो और आपको सिर्फ जीप सफारी या एलिफेंट राइडिंग ही करनी है, तो आप सिर्फ सिंगल एक्टिविटी भी बुक कर सकते हो सेम प्लेस से। हमारे लिए फुल पैकेज बुक करने का फायदा ये था कि होटल से किसी एक्टिविटी की जगह तक के लिए पिक और ड्रॉप टूर गाइड ही प्रोवाइड करता था। होटल का स्टे या जो रूम था वो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा था। 4 लोगों की फैमिली के लिए एक रूम में आप इजीली स्टे कर सकते हो। सो दिन की पहली एक्टिविटी थी हमारी जीप सफारी, जो कि जीप हमको पिक करने होटल में ही आई थी। बेसिकली एक ये ओपन रूफ जीप होता है जिसमें 20 से 25 लोग बैठते हैं इंक्लूडिंग 1 टूर गाइड। कोशिश करना कि फ्रंट की सीट पर बैठो फॉर द बेटर व्यू। मुझे नहीं पता जीप सफारी करने का बेस्ट वेदर कौन सा होता है, बट एटलीस्ट समर टाइम अवॉइड करना, काफी गर्मी होती है। आज का दिन हमारे लिए काफी परफेक्ट था, विंटर का टाइम था और धूप भी मस्त आ रखी थी। अगर आप लकी हुए तो बीच रास्ते में ही ऐसे ही किसी एलिफेंट से मुलाकात हो सकती है, जो कि एक ऑसम मोमेंट था इतने पास से देखना। हमारा जीप सफारी एक्साइटिंग होने के साथ साथ काफी लंबा भी था, 4 घंटे का। एक चीज अच्छी थी कि बीच में ब्रेक के लिए जीप रुकती थी, जो कि बहुत ही जरूरी सा फील होता है। स्नैक्स और फूड के ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे और प्लेस बहुत ज्यादा क्राउडेड होगा। जीप सफारी इज वन ऑफ द पॉपुलर एक्टिविटीज फॉर एक्सप्लोरिंग द पार्क एंड इट्स वाइल्ड लाइफ। जीप सफारी आपको मोस्टली अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट आफ्टरनून में करने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर पार्क के सारे एनिमल काफी एक्टिव रहते हैं, तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं एनिमल को देखने का। जीप सफारी आपके 2 से 4 घंटे तक का हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैकेज लिया है और इसके काफी डिफरेंट रूट है। आपने कौन सा रूट लिया है ये भी आपके पैकेज पर डिपेंड होता है। कुछ पॉपुलर रूट है जैसे कसारा एरिया, द नारायणी रिवर और 20,000 लेक। जीप सफारी करते टाइम अगर आप लकी हुए तो आपको देखने को मिल सकते हैं गेंडा, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, क्रोकोडाइल और बहुत सारे स्पीसीज ऑफ बर्ड। आपके साथ जीप सफारी में एक गाइड भी होगा जो आपको सारे एनिमल दिखाता जाएगा और उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। ओवरऑल जीप सफारी इन चितवन नेशनल पार्क इज एन एक्साइटिंग वे टू एक्सप्लोर द पार्क एंड सीइंग इट्स अमेजिंग वाइल्ड लाइफ फ्रॉम वेरी क्लोज। हम लोग तो इतने लकी नहीं थे कि टाइगर देखने को मिले, आई होप नेक्स्ट टाइम जरूर दिखे। सो फाइनली हमारा 3 घंटे का जीप सफारी एंड हुआ। कुछ एनिमल आपको शायद जंगल में ना दिखे, बट ऐसे ही रोड में जरूर दिख जाएंगे। होटल के प्राइस में फूड इंक्लूड नहीं होता है, तो हमने बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जो कि हमारे लिए ज्यादा बेटर था। फुल नाइट स्टे करने के बाद ये था हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। विंटर का टाइम था तो ठंड काफी थी और उसके साथ मॉर्निंग का काफी ब्यूटीफुल व्यू। क्योंकि हम डायरेक्ट बोटिंग के लिए जाने वाले थे, तो हमारे लिए बेस्ट यही होता कि हम होटल से ही ब्रेकफास्ट करके जाएं। ब्रेकफास्ट नॉर्मल सा होगा, फ्रूट, ऑमलेट, जूस, टी एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि फुल पैकेज होने का बेनिफिट यही है कि वो आपको होटल से ही पिक करने आते हैं। एक्टिविटी के डेस्टिनेशन तक जाने के लिए और हम लोगों को कुछ न्यू एक्सपीरियंस देने के लिए इन लोगों ने पिक करने के लिए हमें घोड़ा गाड़ी भेजी। जैसे कि हमको आइडिया नहीं था कौन सा सीजन बेस्ट होता है बोटिंग के लिए, बट इस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड थी। इतने ठंड में बोटिंग करना ठीक है कि नहीं ये आगे पता चलेगा। अगर मैं बोटिंग की बात करूं तो ये एक लंबी सी पतली सी बोट होती है जिसमें 20 लोग तक बैठ सकते हैं। बोटिंग के दौरान आप रिवर के नीचे के साइड सेल करोगे, जिसमें आप इंजॉय करोगे ब्यूटीफुल सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
विंटर के टाइम ये पानी से जो फॉग निकलता है उसको देखना काफी ब्यूटीफुल लगता है। एक पीसफुल और बहुत ही रिलैक्सिंग सा एटमॉस्फेयर फील होता है। इस बोटिंग के थ्रू आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और देखने को मिल सकता है आप वहाँ के एनिमल, डिफरेंट बर्ड्स जैसे क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ईगल, किंगफिशर और भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज। इसमें भी आपके साथ एक गाइड होगा जो आपको फुल टूर एक्सप्लेन करता रहेगा। ओवरऑल बोटिंग इन चितवन नेशनल पार्क इज अ यूनिक एक्सपीरियंस दैट ऑफर अ चांस टू एक्सप्लोर द पार्क ब्यूटी एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैंने बताया कि आपको बोटिंग में रिवर के डाउनसाइड वन वे में एक डायरेक्शन तक छोड़ दिया जाता है, उसके बाद आपको जंगल के थ्रू एक शॉर्टकट से वॉक करते हुए वापस आते हो। उस जंगल की भी एक अलग ही हिस्ट्री है जो गाइड आपको बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहेगा। जंगल वॉक के एंड में हमको बहुत सारे एलिफेंट देखने को मिले, इतने तो हमको जंगल सफारी में भी नहीं मिले। बोटिंग के बाद हम लोग गए वहाँ के एक म्यूजियम में। अगर आप वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए ये बहुत परफेक्ट जगह है। ये हमारे लिए एक शॉर्ट और इंटरेस्टिंग विजिट था। इसके बाद इस पैकेज का हमारा लास्ट एक्टिविटी था एलिफेंट राइडिंग। सो उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमको पिक करने एक जीप आई। एक एडवाइस दूंगा, जैसे ही आप वहाँ पहुंचोगे सारे हाथी आपसे मिलने आएंगे इस उम्मीद में कि आप उनको कुछ खिलाओगे। ये हमको पहले नहीं पता था इसलिए हम उनके लिए कुछ नहीं लेकर गए, जो कि हमको बाद में बहुत रिग्रेट हुआ। और वहाँ पे पास में कोई शॉप भी नहीं थी। एक छोटा सा एलिफेंट का बेबी मिला बट उसको देने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं। बार बार आ रहा था ये सोचकर कि हम उसको कुछ खाने को देंगे बट बहुत लेट एक आदमी आया बनाना और शुगर केन सेल करने, बट तब तक वो छोटा सा बेबी जा चुका था। फिर भी हमने अपने वाले हाथी के लिए कुछ बनाना और शुगर केन खरीदा खिलाने के लिए। एलिफेंट राइडिंग में आप एक बार में चार लोग कर सकते हो। ये राइड आपका एक घंटे से फुल डे टूर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका कौन सा पैकेज है। एलिफेंट के ऊपर बैठना, जंगल एक्सप्लोर करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। ये एक पीसफुल राइड होगा और बोलते भी है कि एलिफेंट राइड में आपके चांसेस बहुत होते हैं वहाँ के एनिमल दिखने के, क्योंकि जीप सफारी में जीप के साउंड से एनिमल ज्यादा पास नहीं आते, बट एलिफेंट राइडिंग में बाकी के एनिमल नहीं डरते, तो आपको मौका मिल सकता है वहाँ के एनिमल को काफी पास से देखने का। जो हमें एलिफेंट राइड करवा रहा था वो काफी अच्छा आदमी था, काफी हेल्प करी हमारी वीडियोस और पिक क्लिक करने में। हमारे ग्रुप की वीडियोस भी क्रिएट की डिफरेंट एंगल से। So, ये था हमारा 30 से 40 मिनट का एलिफेंट राइड। राइडर को कुछ पैसे देकर हमारा ये एक्टिविटी इधर ही खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे सारे एक्टिविटीज खत्म, खाना खा के हम वापस निकलेंगे। सो ये था हमारा चितवन नेशनल पार्क का फुल विजिट। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। बाकी डिटेल में फुल ब्लॉग मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, डिटेल में एक्सपीरियंस करने के लिए वो ब्लॉग जरूर देखें। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।